काफ़ी स्टूडेंट्स का हंस के पास भी क्वेश्चन आता है, मेरे पास भी क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या है चीज़ें, क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए फेवरेबल है या नहीं, या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे, एंड एवरी सिंगल थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. सो मेक श्योर यू स्टिक टू दिस वीडियो टिल द एंड. So we have got our cappuccino and a cornetto. Kya aap dekhne pa rahe ho? Look, let me show you. Done. So now we are all set to make a real actual video on ground reality in Italy for international students. Aur ye ground reality share karne ke liye mere sath hai aaj Hans, jaise pehle bhi aap logon ne videos mein dekha hoga. So Hans aur main aaj itna actual hone wale hai ki bhaiya hum literally main nahaye bhi nahi aaj actually aur ye video shoot kar rahe hain. पर आज बता स्पेशल बात ये कि आज को पीछे भी आपको कार्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिख रही है, वो इसलिए क्योंकि आज जो है सैटरडे मार्केट है यहाँ पर, तो वो मार्केट लगता है यहाँ पर सैटरडे के टाइम पर. ऑल राइट, सो चार साल हो गए दोस्तों मुझे भी यहाँ पर, और हंस तुम्हें कितना? एक साल, ऑलमोस्ट एक साल हो गया मुझे यहाँ पे. एक साल हंस को भी हो गया, तो अब हम दोनों अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर करने पड़ेंगे कि क्या एक्चुअल में रियलिटी होती है, स्टडी से लेकर जॉब से लेकर सेटलमेंट से लेकर एवरी सिंगल थिंग. सो स्टार्टिंग, जैसे ही आप लोग यहाँ पर आते हो, आज पूरी जर्नी को हम डॉक्यूमेंट करने वाले हैं. जैसे आप यहाँ पर आते हो तो सबसे पहली डिफ़िकल्टी जो आपको फेस करनी पड़ती है वो फेस करनी पड़ेगी अकोमोडेशन की. सही है गलत? बिल्कुल. यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि यहाँ पे आके अकोमोडेशन ढूंढ लेंगे या फिर आने से जस्ट पहले अकोमोडेशन मिल जाएगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन आपको ओनर्स को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, घर ढूंढने पड़ेंगे. तो जितना जल्दी हो सके आपको अकोमोडेशन का ढूंढना जरूरी है. अकोमोडेशन क्राइसिस चल रहा है दोस्तों कंप्लीट एंटायर यूरोप में, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आप यूके और कनाडा में भी ये चीज़ फेस करोगे, तो ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही आप कॉमन होने लग गई है. तो होता क्या है कि आप जो है यहाँ पर आ जाओगे, अब आने के बाद होटल बुक करोगे, यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट ऑफ होटल पर डे इज़ 50 यूरोस. सो 50 यूरो पर डे कब तक बियर करोगे? और अगर किसी स्टूडेंट के यहाँ पर रुकोगे भी तो वो 2-3 दिन रुकोगे और फिर वो स्टूडेंट को बुरा लगने लग जाएगा, वो मुंह भराएगा, अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो वो भी नहीं कर सकते हो. तो मेरी एक सजेशन यहाँ पर रहेगी कि आप जैसे ही आपको वीज़ा लगता है तो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक इज टू फाइंड एन अकोमोडेशन, क्योंकि घर नहीं होगा तो कैसे सुकून से रह पाओगे? बिल्कुल, ऑब्वियसली. और भी बहुत सारे काम रहते हैं स्टार्टिंग में, तो परेशान हो जाओगे उस चीज़ के लिए. एंड आई गेस वीज़ा जब आए तब नहीं, बट उसके थोड़ा पहले से भी, बिकॉज आप जानते हो कि आप कौन से सिटी जाने वाले हो. करेक्ट. तो आप पहले से वहाँ के स्टूडेंट्स को कॉन्टैक्ट करो और घर पहले से ढूंढ के रखो. आप भले अगर आपको 1-2 मंथ्स का भी एडवांस देना पड़े तो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट. मैंने खुद 4-5 मंथ्स तक एडवांस दिया था बिकॉज आई न्यू कि घर नहीं है, तो पहले से घर बुक करके रखा था मैंने. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अकोमोडेशन सबसे पहले ढूंढो. करेक्ट. तो 3 तरीके हैं अकोमोडेशन ढूंढने के. पहला एफवी मार्केट से ढूंढ सकते हो, दूसरा आप यहाँ की एजेंसी से, जो फिजिकल एजेंसी से, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, और तीसरा ऑनलाइन देर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स जो हाउसिंग आपको प्रोवाइड करते हैं. तो ये 3 तरीके से ढूंढ सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक रेफरेंसेस से जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर, उनसे टच में आके. चलो, तो पहला ये क्राइसिस आप फेस करने वाले जो हम सभी ने फेस किया हुआ है यहाँ पर. नाउ नेक्स्ट, जैसे ही आपका अकोमोडेशन वगैरह फाइंड हो जाता है, दूसरा क्राइसिस जो आप फेस करोगे, आप जैसे हमने ये कॉफ़ी वगैरह ली है, कॉर्नेटो लिया हुआ है, तो ये भी हमें लैंग्वेज में बात करने लेना पड़ा था. तो सेकंड बैरियर या सेकंड जो प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हो वो शायद आप लैंग्वेज की फेस करने वाले हो. अब क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर आओगे तो यूनिवर्सिटी में तो सब इंग्लिश में आपसे बात कर लेंगे, यू विल स्टडी इन इंग्लिश, बट उसके बाद जब आप यहाँ पर जो है ऑफिसेस में जाओगे आपके डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए, तो आपको फिर इटालियन आना ज़रूरी है वहाँ पर, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है. द नेक्स्ट मेन क्वेश्चन विच स्टूडेंट्स हैव जब मुझसे बात करते हैं कि लैंग्वेज बैरियर कितना आता है, उनको भी मैं सेम समझाता हूँ कि इटालियन इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट यूरोपियन लैंग्वेजेस टू लर्न. एक्चुअली काफ़ी ईजी है, मैं खुद ट्रांसलेट कर करके थोड़ी बहुत बेसिक सीख गया हूँ. एंड आप जितना जल्दी हो सके इटालियन सीख लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. आप जैसे ही आओगे थोड़ा बहुत गूगल ट्रांसलेट से गुजारा हो जाता है, बट जितना आप जानोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. तो दैट इज़ मेन. चलो यार, थैंक्स टू सुंदर पिचाई या कि उसने गूगल ट्रांसलेट बना दिया, इससे काफ़ी आसान आपकी ज़िंदगी हो जाती है. और यहाँ पर इंग्लिश भी आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, बट कहीं कहीं जगह पर नहीं आएगी तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाएगा. बट इसको हमेशा पॉजिटिव लेना, ठीक है, ताकि आपको एक लैंग्वेज लर्न करने का मौका मिलता है. एंड ट्रस्ट मी, इटालियन इज़ वेरी इजी टू लर्न, क्वाइट इज़ और फन, मतलब एक ये फन लैंग्वेज, हम बहुत मजाक तरीके से इसको लर्न करते हैं, तो मज़ा भी आता है इनसे बात करने में यहाँ पर. तो तिब्बे हैं. यस, मतलब है. चलिए, तो नेक्स्ट दोस्तों जो प्रॉब्लम आती है वो स्टडीज से रिलेटेड आती है. स्टडीज से रिलेटेड में जैसे हम लोग अब क्लासेस अटेंड करते हैं, तो क्लासेस अटेंड करी मैंने इनिशियली, तो मुझे यार एक्सेंट की बहुत प्रॉब्लम आई. ये लोग एक तो इटालियन स्पीक करते हैं, देन दे स्पीक इन इंग्लिश, तो थोड़ा बहुत एक्सेंट का प्रॉब्लम आता है. तो मुझे शायद 10 दिन तक एक्सेंट समझ नहीं आया था, बट फ्रॉम 11th डे आई बिकेम कम्फर्टेबल विद इट, और फिर मैंने अडॉप्ट कर लिया अपने आप को और समझने लग गया था. एंड इवन दैट वो हर प्रोफेसर के साथ नहीं होगा आपको. थोड़े प्रोफेसर आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट थोड़े प्रोफेसर जो टिपिकल इटालियन होते हैं तो उनका थोड़ा लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट धीरे धीरे यू गेट यूज्ड टू इट.
सो इट्स इजी. और उसके बाद एग्जाम्स पास करने पे यहाँ पर यू गेट 3 चांसेस, तो वो काफी चीजें इजी है. दूसरी चीज अगर इवन मोर देन 3 एक्चुअली, आप जितने चाहे चांसेस ले सकते हो एक्चुअली. That's really great. एक सेमेस्टर में I think 3 मिलते, right? हाँ, एक सेमेस्टर में 3 मिलते हैं. So yeah, साल में आपको 6 chances मिलते हैं. So you get multiple chances to clear the exam. तो आप ऐसा नहीं कि आपको डिग्री आपकी रोकनी पड़ेगी या नहीं कंप्लीट कर पाओगे और फिर आपको जाना पड़ेगा जहाँ पर भी जाना, आपकी होम कंट्री एंड सो ऑन. तो डिग्री आराम से आप यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे, स्टडीज करोगे तो, क्योंकि चांसेस ज्यादा मिलते हैं. नेक्स्ट दोस्तों, स्टडीज की बात हो गई, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जॉब्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट के मन में दो चीजें रहती है, स्टडीज और जॉब्स, राइट. तो जॉब्स में दोस्तों, जब आप स्टडीज करते रहते हो तो एक वर्ड से फैमिलियर हो जाओ, ऑड जॉब से. ऑड जॉब से, क्योंकि यही आपको जो है वाइल स्टडीज करनी रहेगी. और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि आप जो जॉब्स है दोस्तों, वो यहाँ पर आने के 3 months के बाद करना. ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तो आप जैसे आते हो अक्टूबर में, जनवरी में आपकी एग्जाम्स रहती है, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो एग्जाम्स क्लियर करने पर होनी चाहिए. उसके बाद जो है जॉब की प्रेफरेंस होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास स्कॉलरशिप भी रहती है, तो उससे आपके एक्सपेंसेस मैनेज हो जाते हैं. आई थिंक जॉब का भी वैसे रिक्वायरमेंट तो नहीं रहता, बिकॉज स्कॉलरशिप में पूरा गुजारा इजिली हो जाता है. बस चल, अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा कमाए, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिले, तो डेफिनेटली यू कैन डू जॉब्स. बट बिल्कुल 3 महीने के बाद, नॉट आते ही तो बिल्कुल मत करिएगा भाई. और वो इसलिए क्योंकि अब जॉब्स की बात आती है, तो क्या पार्ट टाइम जॉब्स मिलना इजी है या नहीं, तो ये जो ऑड जॉब्स है दोस्तों, क्योंकि प्रोफेशनल जॉब्स मिलना पार्ट टाइम में काफी मुश्किल होता है, ऑड जॉब्स स्टूडेंट्स को जनरली करनी रहती है. तो 3 जॉब्स तो ऐसी हैं, डिलीवरी की जॉब्स, डिश वॉशिंग की जॉब्स और क्लीनिंग जॉब्स इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स. तो ये जॉब्स में आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है. बाकी जितनी भी अदर जॉब्स होगी, उन सभी में कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होने वाली है. तो उस नजरिए से देखें तो आपको हार्ड होगी थोड़ी सी पार्ट टाइम जॉब मिलना, अगर इन 3 जॉब्स के अलावा आप देखना चाह रहे हो तो. क्योंकि इवन आपको वेटर बनना है तो आपको लैंग्वेज कम्युनिकेट तो करना आना चाहिए, राइट. तो वहां आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो चीज है. बाकी 20 hours पर वीक आप आसानी से कर सकते हो, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. और स्कॉलरशिप से आसानी से आप लिविंग एक्सपेंसिस भी मैनेज कर सकते हो. तो पार्ट टाइम जॉब इटली में बहुत कम स्टूडेंट्स करते वैसे भी. एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन मैं आपको बोला कि आप अगर इटली में आने का सोच रहे हो तो तुरंत इटालियन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दो. एक तो इजी है, आप जल्दी सीख पाओगे, और यहाँ पे आके आप नॉर्मल वेटर वगैरह या थोड़ी नॉर्मल, मतलब जैसी जो जॉब चाहे आप कर सकते हो. तो आप लिमिटेड नहीं रहोगे एक सर्टन नंबर ऑफ जॉब से. तो बिल्कुल आप डेफिनेटली इटालियन जल्दी से सीख लीजिए एंड जॉब्स हो जाएगी. अब आते हैं हम जॉब्स वो वाली, जो आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है और अब आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या, इसको लेकर भी काफी स्टूडेंट्स कंसर्न रहते हैं. सो एक चीज मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप कहीं ना कहीं कोई तो जॉब फाइंड कर लोगे. यहाँ का जॉब मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं. बट आपके पास 2 चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, पहली स्किल्स और दूसरी नॉलेज. दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हम सीवी प्रिपेयर करते हैं यूरोपास में, तो हम उसमें ग्रेड्स नहीं लिखते हमारे कितने स्कोर आया हुआ है डिग्री में. मैंने क्योंकि 2 इंटरव्यूज अभी फेस किए हुए, तो मुझे पता है इसके बारे में. वो ये भी नहीं पूछते कि आपने कितना स्कोर किया हुआ एक्चुअली. डिग्री कंप्लीट है, दैट इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद सिर्फ 2 चीजें, स्किल्स और नॉलेज. अब स्किल्स की बात करें तो ऑब्वियसली जो आप जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो उसकी स्किल्स, और साथ ही साथ दूसरी स्किल होनी चाहिए लैंग्वेज की. क्योंकि जो कैंडिडेट्स वैसे होंगे जिनको इंग्लिश का भी नॉलेज है और इटालियन का भी नॉलेज है, ऑब्वियसली कंपनी एज एन एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो मैं उसी को हायर करूंगा जो जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती है. तो यहां पर भी लैंग्वेज, एक स्किल आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए, वो लैंग्वेज की. द फर्स्ट थिंग दे नीड टू लर्न इज लैंग्वेज, और इजीली हो जाएगा. मैं बार बार स्ट्रेस करता हूँ कि काफी लोग डर जाते हैं. यू शुड लर्न इट, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. तो इसीलिए हम लोग भी ज्यादा लैंग्वेज पे इसलिए करते हैं क्योंकि हर चीज में यार एक ये काम आने वाली है. और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था, इसको एक पॉजिटिव तरीके से लो, क्योंकि आपको एक चांस मिल रहा है कि आपको एक एडिशनल लैंग्वेज लर्न करने का मौका मिल रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट. मतलब आपका इंटेलेक्ट इंक्रीज होगा, इंटेलेक्ट ग्रो होगा अगर आप एक और नई लैंग्वेज लर्न करते हो तो. सो इट इज एन एसेट फॉर यू फॉर श्योर, लाइफ लॉन्ग एसेट आपके लिए होने वाला है. एंड प्लस पॉइंट है कि इटालियन इज वेरी सिमिलर टू स्पेनिश, तो अगर आप इटालियन सीख रहे हो तो थोड़ा बहुत स्पेनिश भी आपको आ जाएगा. वंडरफुल. और यूनिवर्सिटीज और यहाँ पर काफी ऐसे इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स हैं जो आपको फ्री में इटालियन सिखाते हैं. बिल्कुल. तो why not to take advantage of it. और जॉब मार्केट जो है थोड़ा सा वीक, टू बी ऑनेस्ट कह सकता हूँ. अपने स्किल्स, टैलेंट और नॉलेज के बेस पर ही आप जॉब ढूंढ पाओगे. डिग्री तो यहाँ पर हर कोई कंप्लीट कर लेता है. दैट इज द माई फाइनल कंक्लूजन. और मैं इसमें भी लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप बिल्कुल दुखी मत होइएगा या ऐसे टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आप खुद अपना स्किल सेट जानते हो, आप जानते हो कि आप कुछ कर सकते हो, आप लोगों से हट गए हो. बिलीव इन योर सेल्फ, आपको डेफिनेटली जॉब मिल ही जाएगा, क्योंकि आपके स्किल्स अच्छे हैं, आप तभी यहाँ पे आ रहे हो. सीधी सी बात है, लोग डर जाते हैं कि नहीं नॉर्मल जॉब्स नहीं, नॉर्मल जॉब्स नहीं है. बट आप एक प्रॉपर डिग्री के लिए आ रहे हो. आप हमारे कंट्रीज में आपको पता है कितना एजुकेशन का रहता है, कितना स्किल्स का रहता है, तो हमें ऑलरेडी थोड़ा एडवांटेज रहता है. तो करेक्ट है, जॉब तो मिल जाएगी. एंड ऑल्सो
अगर आप यहाँ पे आते हो पढ़ाई के लिए तो सिर्फ इटली के लिए आप बाउंड नहीं रहते, आप पूरे यूरोप में कहीं भी जॉब्स ढूंढ सकते हो, शेंजन वीजा का फायदा वही है। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, यू वोंट फाइंड दिस इन यूके, कनाडा और अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, बिकॉज यहाँ पर आपके पास 26 कंट्रीज का एक्सेस है। तो ये मत सोचो कि यार इटली आएंगे तो सिर्फ इटली में ही जॉब करेंगे, यू हैव जर्मनी, यू हैव माल्टा, जो जहाँ पर इंग्लिश काफी ज्यादा बोली जाती है, तो वहाँ पर आप काम कर सकते हो, बिल्कुल नो इशूज इन दैट गाइज। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो स्ट्रगल्स फेस करोगे आप वो करोगे, देखो मेरे एक टर्म है सेल्फ वर्क। हाँ, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें करोगे दोस्तों वो आपको खुद ही करनी है। मैं आपको बता दूँ, जैसे हमने अकोमोडेशन ढूंढने के बाद उसकी क्लीनिंग, वहाँ पर कुकिंग करना, फिर यूटेंसिल्स वॉश करना और कपड़े धोना, एंड सारी चीज़ें दोस्तों हमें खुद ही करनी पड़ती हैं। और यू वोंट बिलीव, मुझे तो कुकिंग करने के बाद पता चला कि मैं इतना अच्छा शेफ हूँ, सीरियसली। इंडिया में तो मुझे अपना टैलेंट पता ही नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला। एंड विद दिस ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और शुरू शुरू में जब मैं कुक करता था तो मुझे रोना आता था, क्योंकि होम सिकनेस भी थी शुरू शुरू में, फर्स्ट वीक की बात बता रहा हूँ, मम्मी की आधारी खाना बनाते आटा आटा गुनते गुनते रो रहा हूँ मैं। तो इट वॉज द फेज जो बहुत वर्थवाइल था एक्चुअली वो। और इसके बाद इसी चीज से जो है आपकी दो तीन चीजें डेवलप होती है, एक तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है कि यार मंडे को आपको जो है ऑर्गेनिक कचरा फेंकना है, और आपको जो ट्यूसडे को है प्लास्टिक फेंकना, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कपड़े टाइम पर धोने रहते हैं, खाना बनाना है भाई टाइम से, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है एक ओवरऑल आपकी पर्सनलिटी भी डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करती है। आप डेफिनेटली एक पर्सन की तरह ग्रो करोगे यहाँ पे आके। आप जब आप खुद खाना बनाओगे, खुद बर्तन धोगे, खुद घर की साफ सफाई करोगे, तो आपको पता चलेगा कितना टाइम उसमें जाता है। ये तो आपका पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी, बेटा आपका सही में कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। यहाँ आके मैं खुद खाना बनाना सीखा और अब तो आप तो शेफ प्रो हो गए, हम सब अब खाने बनाने में प्रो हो गए। तो बनी हमारी वाइफ्स काफ़ी खुश होने वाली, क्यों वो तो है खाना बना लेते खुद ही, तो पेरेंट्स भी आपके काफ़ी प्राउड होते कि यार बच्चे खाना बनाने लग गए और खुद के दम पर कुछ करने लग गए। और मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आपको एक बार स्टडी अब्रॉड एक्सपीरियंस होना चाहिए जिंदगी में, क्योंकि ये पूरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर देता है, एज अ पर्सन बहुत डेवलप हो सकते हो आप। बिल्कुल, तो ये फाइनल कंक्लूजन था कि सेल्फ वर्क आपको करना पड़ेगा हर जगह दोस्तों, हर जगह। नेक्स्ट, एक सर्टन पॉइंट ऑफ के बाद जो है आइसोलेशन का स्टेज आ जाता है। मैं 4 साल रहा हूँ, हंस को भी 1 साल से ज्यादा हो चुका है, सीख रहा हूं अभी। तो होम सिकनेस, फ्रेंड्स बनना, ये सारी चीज़ें बहुत थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, और कई बार इसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करना है। देखो आइसोलेशन का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए 2 साल का मास्टर्स रहेगा, मास्टर्स कंप्लीट करोगे, फिर जॉब करोगे, फिर यार याद रहेगा कि अब क्या जिंदगी में, कि यहाँ तक जॉब ही करते रहेंगे का, फिर आपको घर की याद आने लगेगी, आइसोलेट होने लगोगे इस चीज़ को लेकर। और यहाँ पर जितनी भी आपके फ्रेंड्स बनेंगे वो फ्रेंड्स भी कहीं ना कहीं टेम्पररी रहने वाले, टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, क्योंकि आपका जैसे ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स आपके बनेंगे शुरू में, आप खूब इंजॉय करोगे सब, रूम शेयरिंग है ऑल दोस थिंग्स, बहुत फन है वो सब। लेकिन एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो है वो भी अपनी करियर में आगे ग्रो करना चाहेंगे, तो वो दूसरी सिटीज में मूव हो जाते हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज़ ऑल टेम्पररी। तो मेरा ये मतलब रहेगा कि यार आपको जो है अपने प्रोफेशनल करियर पर ही फोकस करना पड़ेगा, जिस चीज़ के लिए आया हो उसी चीज़ पर फोकस करना रहेगा। एंड होम सिकनेस इज फीलिंग जो कि आपको डेफिनेटली आने वाली, आप आइसोलेटेड फील करोगे, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ जिंदगी में बड़ा करना हो तो ये कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है और अकेले ही आपको आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल, अभी रिसेंटली इनसे मैं भी यही सब सीखा। अगर आपको आप बाहर पढ़ने आ रहे हो तो आप एक अकेले रहने का स्किल ज़रूर सीख जाओगे, जो बहुत ज़रूरी है। आप खुद की कंपनी एंजॉय करो, आप खुद जब अपनी कंपनी एंजॉय करोगे, अकेले रहना सीखोगे, आप बहुत ग्रो करोगे लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सीखते हो यहाँ पे आकर। दैट इज़ ट्रू, थैंक यू मुझे गाइड करने के लिए इसके लिए। 4 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें देख ली है, दोस्तों को आते जाते देख लिया है, बट इतना कह सकता हूँ कि अपने ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। हम हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं यहाँ पर, उन्होंने भरोसा करके हमें यहाँ पे भेजा कि हम कुछ करके दिखाएंगे उनके लिए, तो वो करने के लिए दूसरी चीज़ों में मत बहक जाना। जैसे यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई को छोड़कर ड्रिंकिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं, हाई ड्रिंकिंग हैबिट्स, वीड, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। और फिर उसके बाद पार्ट टाइम जॉब में इतना लीन हो जाते हैं कि पढ़ाई को ही एक मद्देनजर रख देते हैं। पार्ट टाइम जॉब से कब तक करोगे वेटर की जॉब, क्लीनर की जॉब, एट द एंड आपको एक प्रोफेशनल जॉब तो चाहिए रहेगी, और वो प्रोफेशनल जॉब जब तक आपके पास डिग्री नहीं होगी नहीं मिलने वाली है। सो यार उन चीज़ों पर ध्यान रखना, क्योंकि आए हो स्टडी वीजा लगा है ना, स्टडी शुड बी योर प्रायोरिटी। या काफ़ी लोग लव में भी पड़ जाते हैं और अपने जो है मेन पाथवे को छोड़ देते हैं, तो वैसी गलतियां आप मत करिएगा अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो। बिल्कुल, मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा हूँ, पता है वो काम करते रहते एग्जाम्स नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक दो बार अटेम्प्ट देने आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं वापस। ऐसे आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप खुद सोचो अगर आप डिग्री ख़त्म करोगे जल्दी से आपको प्रोफेशनल जॉब मिलेगी, आप काफ़ी ईजिली कवर अप कर लोगे जो भी आप और जॉब से कमाने वाले हो पैसे। तो आपका मेन फोकस पढ़ाई ही रहना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर आप चाहो खर्चे के लिए कमा लो जो कर लो, बट पढ़ाई मेन फोकस रखो।
अब इम्पॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर है, ये है मेरी टिप, ये रहेगी कि आप जब आपका 2 ईयर्स का मास्टर्स या 3 ईयर्स का बैचलर्स कर रहे हो तो स्किल डेवलपमेंट पर बहुत फोकस करना। एक तो लैंग्वेज स्किल्स तो डेवलप करना ही करना है, ये तो ठान ही लो आप लोग, और दूसरी अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड स्किल्स को डेवलप करना साइड बाई साइड। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोर्स है, स्किल शेयर, जहाँ से आप मशीन लर्निंग AI समझ सकते हो, लर्न कर सकते हो, तो लर्न दोज थिंग्स क्योंकि वही फ्यूचर है आने वाला समय, और वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको आपकी जॉब पाने के लिए भी। और मैं काफ़ी मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज भी देखा था, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स की डिग्री भी आप डेफिनेटली करोगे इटली आओगे तो मैनेजमेंट के भी काफ़ी कोर्सेज है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। प्रोफेशनल कोर्सेज देखे मैंने कोर्सेरा पर, तो ये कुछ बड़ी चीज़ें थी। और छोटी मोटी चीज़ों में जैसे बताया तो मुझे यार यहाँ की एक चीज़ पसंद नहीं, यहाँ पर रेसिडेंस परमिट का जो प्रोसेस है, परमिट से जुड़ना जैसे कहते हैं, वो बहुत लॉन्ग टाइम है, 3 months to 6 months भी लग जाता है। एक सबसे बड़ा मेरे को ये लगता है इनको थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए, वो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर स्कॉलरशिप जो है आपकी वो 3 months के बाद आने वाली, तो अंटिल 3 months आपके पास बैकअप होना चाहिए आपका, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी इनिशियली, क्योंकि आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेना रहता है, पर मंथ के एक्सपेंसेस बियर करने रहते हैं, इनिशियल एक्सपेंसेस रेसिडेंस परमिट के बियर करने रहेंगे, तो आप 2000 euros जो है अराउंड 1.5 lakh rupees इंडियन रुपीज में, इतना अमाउंट तो आपको लेकर आना ही आना है। मैं खुद भी लेके आया था, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गए बिल्कुल पता नहीं चला, बट डेफिनेटली आपको इतना जरूरत पड़ेगा। यस, और यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ड्राइविंग करना है तो फॉर द 6 months to 1 year तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल का जो है वो वैलिड रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस बना रहेगा, लेकिन वो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर बनवाना बहुत मुश्किल होता है इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि उसमें 30 questions में से 27 आपको आंसर करने रहते हैं और सारे के सारे सही आंसर करने होते हैं, जो कि एक टास्क होता है, ट्रू और फॉल्स होते हैं, बट फिर भी सही करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी इटालियन लैंग्वेज में, इसलिए प्लीज इटालियन लैंग्वेज सीख लीजिए। वो इटालियन लैंग्वेज में होती है, वो भी आपको इटालियन में देनी होगी, और काफी स्टूडेंट जो है वो 6-6 महीने 7-7 महीने से स्कूल्स अटेंड कर रहे हैं लेकिन नहीं क्लियर कर पा रहे, तो टास्क ही है। एंड दोस्तों जॉब्स की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर जॉब्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कुछ पाने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बिल्कुल, तो वो करोगे तो फॉर श्योर आपको जॉब मिल जाएगी, दैट आई कैन अश्योर यू पर्सनली। डिलीवरी जॉब कर सकते हो तो वो तो ऐसे ही मिल जाएगी, बाकी अदर्स की बात कर रहा हूँ। सो ओवरऑल कहूँ तो दोस्तों इटली इज़ अ रियली ब्यूटीफुल कंट्री, वेदर काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और हर एक कंट्री के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स होते हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मैं वीडियोज हो दोस्तों वो पॉजिटिव्स पर बनाऊँ, क्योंकि मुझे नेगेटिव्स पर ज़्यादा फोकस करके आप लोगों के ड्रीम्स को वहीं पर क्रैश नहीं करना है। हर कंट्री के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स होते हैं, कनाडा में ठंड बहुत ज्यादा होती है, ऑस्ट्रेलिया में पैसा बहुत ज्यादा लगता है आपको आना, तो वहीं बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं, यूएसए में वीजा अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक, तो हर कंट्री के कुछ ड्रॉबैक्स है फॉर श्योर है, और इटली के भी है जो हमने आपसे ये वीडियो में शेयर किए, बट एट दी एंड अगर आप यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर अडाप्ट कर लिए, सर्वाइव कर गए, तो फॉर श्योर आप अपनी लाइफ में चेंज देखोगे, और वो एक पॉजिटिव चेंज होने वाला है। बिल्कुल, तो इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिविटी पर ही फोकस करता हूँ, आपको यहाँ पर जो है लोग भी कहीं नेगेटिव मिलेंगे पॉजिटिव मिलेंगे, बट हमें सबको पॉजिटिव तरीके से देखना है कि सब अच्छे होंगे, नेगेटिव होंगे तो वो एलिमिनेट अपने आप हो जाएंगे हमारी पॉजिटिविटी से, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, और यहाँ पे आके आप जो ग्रो करोगे, आपका जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप एज अ पर्सन डेवलप करोगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड ऑल्सो गोइंग बैक टू द जॉब्स, मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप लैंग्वेज उतनी ना भी सीख के आओ तो भी, मेरे थोड़े फ्रेंड्स हैं जो कैफेज या बार्स में वर्क कर करके भी सीख गए लैंग्वेज, वो वेटर की जॉब करते हैं, बारटेंडर की जॉब करते हैं, धीरे धीरे उससे भी वो इंटरेक्शन करके सीख गए, तो आप उसका भी टेंशन मत लीजिए, अगर आप लैंग्वेज से डर भी रहे हैं तो भी चांसेस बिल्कुल हैं। सो दोस्तों यही मेरा और हंस का एक्सपीरियंस था, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, हमने सब कुछ बता दिया बिल्कुल फ्री, अब जो हमें लग रहा था लिबरल वीडियो बिल्कुल, और हमारी कॉफ़ी भी ठंडी हो गई है, तो हम कॉफ़ी भी पी लेते हैं, और आपको करना है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और शेयर कीजिए अपने सारे स्टूडेंट्स में या फ्रेंड्स में जो इटली आना चाहते हैं। सो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल कंट्री दोस्तों, यहाँ पर आप फ्री एजुकेशन कर सकते हैं, स्कॉलरशिप्स के साथ में सेटल होना काफ़ी आसान होता है यहाँ पर, और एग्जाम्स पास करने के लिए भी चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, और आप नया कल्चर देखते हो, नए लोग देखते हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से मिलते हो, अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानते हो, बहुत अच्छा रहता है। डेफिनेटली इटालियन पीपल आर रियली हेल्पफुल, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, आई गेस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू हंस फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अरे क्या बात है, चलो मिलते हैं हम लोग दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।